प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। यह मीट एक रिकग्निशन मीट है, रिकग्निशन उन 1800 लोगों की जिन्होंने अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस से इस मीट में क्वालिफाई किया है। मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूं क्या इन सभी 1800 अचीवर्स के लिए एक जोरदार राउंड ऑफ तालियां हो जाए। हमारी यह मीट हर साल हुआ करती थी, मगर लास्ट 2 सालों से नहीं हुई है। कारण तो आप सबको पता है, कारण है कोविड। तो कोविड के बारे में बात करना जरूरी हो जाती है। कोविड के कारण लास्ट 2 सालों में कई जाने गईं और पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ गई। ज़्यादातर बिजनेसेस इस पीरियड में सर्वाइव करना अपने आप को डिफिकल्ट पाने लगे। नेटसर्फ ने यह पीरियड कैसा निकाला यह हमें देखना जरूरी हो जाता है। नेटसर्फ ने 2019-20 में यानी कि कोविड से जस्ट पहले 270 करोड़ का टर्नओवर अचीव किया था। इसके अगले साल यानी कि 2020-21 में कोविड जब पीक पर था, क्या आप विश्वास कर सकते हैं नेटसर्फ ने क्या अचीव किया? उस साल पूरे देश में लॉकडाउन था, इंडिया का जीडीपी 7% से घटा, पर आप विश्वास कर सकते हैं हमने क्या अचीव किया? नेटसर्फ ने ग्रोथ अचीव की। और ग्रोथ कितनी, एक वाइल्ड गेस करिए, 10% नहीं, गेस इतने लोग हैं, 20% नहीं, नेटसर्फ ने 50% की ग्रोथ अचीव की है। और नेटसर्फ का टर्नओवर हो गया 419 करोड़। ये अनबिलीवेबल है, यह है ताकत नेटसर्फ की, यह है ताकत नेटसर्फ के डायरेक्ट सेलर्स की, यही है ताकत नेटसर्फ की टीम की, लेड बाय केतन, लक्ष्मी, प्रदीप एंड केदार। कोविड जैसा डेडली इवेंट 100 सालों में एक बार आता है और दुनिया में तबाही मचा के जाता है। ऐसा ही इवेंट 1918 में स्पैनिश फ्लू के नाम से आया था। कोविड एक रेयर इवेंट है जिसे ब्लैक स्वान इवेंट भी कहते हैं। जब नेटसर्फ ने ऐसे ब्लैक स्वान इवेंट में इतना स्टुपेंडियस परफॉर्मेंस दिया, तो आप अनुमान कर सकते हैं कि नॉर्मल और अच्छे टाइम्स में नेटसर्फ कैसा परफॉर्म करेगा? नहीं अनुमान कर सकते आप लोग। चलिए, इस सबसे आपको यकीन तो हो ही जाना चाहिए कि नेटसर्फ की जड़ें एकदम मजबूत हैं और नेटसर्फ के साथ हम सब का फ्यूचर एकदम ब्राइट और सुरक्षित है। करते हैं बात पिछले साल की कुछ हाइलाइट्स पर और कुछ नए इनिशिएटिव्स पर। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि नेटसर्फ की सेल कोविड पीरियड में अच्छी ग्रोथ की है। नेटसर्फ के पेमेंट्स अपने डायरेक्ट सेलर्स को हमेशा की तरह एकदम टाइम पर हुए हैं। पीक कोविड पीरियड में भी, जब ज्यादातर कंपनीज के कैश फ्लोज इंपैक्टेड थे, उस टाइम में भी नेटसर्फ के पेमेंट्स अपने डायरेक्ट सेलर्स को एकदम टाइम पर हुए हैं ना? चलिए, एक बात पे तो आप यकीन करते हैं। नेटसर्फ ने परवानु में एक नई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डाली है। यहाँ हम हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बनाएंगे। अब नेटसर्फ और उनकी ग्रुप कंपनीज मिलकर 90% से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। नेटसर्फ
की R&D टीम ने कई नए प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं। इस साल हम मिनिमम 20 नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लाने वाले हैं। NetSurf remains a debt-free company. आप लोग सोचते होंगे कि हर साल यह पॉइंट मैं आपको क्यों बताता हूं। यह इतना इंपॉर्टेंट इश्यू है क्योंकि आप अगर हिस्ट्री उठाकर देखें तो ज्यादातर कंपनीज जिनमें लोन थी वो कभी ना कभी तकलीफ में आई और उनमें से कुछ तो बैंकरप्ट हो गई। NetSurf जो भी फंड्स जेनरेट करता है वो अपने बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर देता है और इसके बाद जो एडिशनल फंड्स बचते हैं वो NetSurf लिक्विड असेट्स में रखता है कि जरूरत पड़ने पर अपने बिजनेस में तुरंत ट्रांसफर कर लें। NetSurf अपने स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस को बहुत ही स्ट्रिंजेंटली फॉलो करता है। हाल ही में गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक नई गाइडलाइंस निकाली है। ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इस गाइडलाइंस को मीट करने में स्ट्रगल कर रही हैं। NetSurf में पहले से ही सिस्टम्स और पॉलिसीज इन प्लेस थे तो हमें इन गाइडलाइंस को मीट करना ज्यादा मुश्किल नहीं गया। जो भी माइनर अपग्रेडेशन हमारे बिजनेस मॉडल में जरूरत थी वह NetSurf की टीम और आपने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर दिया है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि NetSurf इस गाइडलाइंस के तहत पूरी तरह कंप्लायंट है। यह बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि इस कंप्लायंस के बिना कंपनी सरवाइव ही नहीं कर सकती। NetSurf के 100% डायरेक्ट सेलर्स KYC कंप्लायंट हैं। NetSurf नेशन बिल्डिंग में भी अपना रोल अदा करती है। पिछले साल NetSurf ने GST, TDS और इनकम टैक्स के रूप में देश के एक्सचेकर को 45 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है। NetSurf आपसे भी कुछ चाहता है, देंगे ना? Yes! NetSurf के अपने डायरेक्ट सेलर्स से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग मेहनत करें और हमारे प्रोडक्ट्स की अपने कस्टमर्स को यूजफुलनेस, यूनिकनेस और वैल्यू फॉर मनी को हाईलाइट करें। आपका एम्फेसिस होना चाहिए हमारे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स। जो भी गाइडलाइंस NetSurf की टीम आपको एक्सप्लेन करती है आप वही गाइडलाइंस अपने टीम मेंबर्स को एक्सप्लेन करें और उन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए कहें। आप हर महीने अपनी सेल पिछले महीने के कंपैरिजन में थोड़ी थोड़ी बढ़ाने की कोशिश करिए तो साल के आखिर में आपको बहुत अच्छा नतीजा मिलेगा। आप अपने कस्टमर से अच्छे रिलेशंस मेंटेन करिए और उन्हें अच्छी सर्विस दीजिए। अगर उनकी कोई भी कंप्लेन हो तो उसे तुरंत एड्रेस करिए और जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। लोग कहते हैं कि हम ग्रोथ चाहते हैं मगर हम यह ग्रोथ आराम से चाहते हैं। एक बहुत बड़ी सेइंग है कि कंफर्ट एंड ग्रोथ कैन नॉट कोएग्जिस्ट। ग्रोथ का दुश्मन है कंफर्ट। तो दोस्तों अगर हमें आगे ग्रो करना है तो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एफर्ट करना पड़ेगा। बहुत जबरदस्त।
नेटसर्फ का आगे का रास्ता, या कहें तो नेटसर्फ का फ्यूचर हमें कैसा दिखता है, इसे मैं दो पहलू में एक्सप्लेन करूंगा। पहला, जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट कई सालों से कस्टमर्स का प्रेफरेंस शिफ्ट हो रहा है हार्मफुल केमिकल प्रोडक्ट से ऑर्गेनिक, नेचुरल और बायो प्रोडक्ट्स की तरफ। नेटसर्फ के सारे ही प्रोडक्ट्स हर्बल और ऑर्गेनिक हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पे एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में बात करते हैं। इंडिया में लगभग 3% फार्मलैंड ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है। ऑस्ट्रिया और स्वीडन जैसे डेवलप्ड देशों में 20-25% फार्मलैंड ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। इंडिया में भी ये ऑर्गेनिक शिफ्ट देखने को आ रही है। सिक्किम जैसा स्टेट 100% ऑर्गेनिक हो गया है। लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी 100% ऑर्गेनिक हो गई है। केमिकल पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स का इंडिया में टोटल मार्केट 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो जब यह शिफ्ट केमिकल से ऑर्गेनिक की तरफ होगी तो आप अनुमान कर सकते हैं हमारे सामने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो दोस्तों, नेटसर्फ फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स बना रहा है जिसकी डिमांड आने वाले कल में बढ़ने ही वाली है। दूसरा पहलू, हम कहते हैं कि नेटसर्फ ग्रोथ कर रही है, आप उसे मान लेते हैं, मानिएगा ऐसे मत, हम आंकड़ों से आपको जस्टिफाई करके बताएंगे। इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2015-16 से 2020-21 में, यानी कि लास्ट 5 सालों में 10,300 करोड़ से बढ़कर 18,000 करोड़ पहुंची है। यानी कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया की है वो लास्ट 5 सालों में 12% की कैगर ग्रोथ से बढ़ रही है। इसी पीरियड में नेटसर्फ की सेल 137 करोड़ से बढ़कर 419 करोड़ पहुंच गई है। तो नेटसर्फ की ग्रोथ इस पीरियड में 25% की कैगर से हुई है। तो नेटसर्फ इंडस्ट्री एवरेज से डबल द रेट में प्रोग्रेस कर रहा है, जो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। अगर हम पूरी हिस्ट्री भी एग्जामिन करें तो नेटसर्फ को बिजनेस चालू किए लगभग 20 साल हो गए। आप विश्वास कर सकते हैं इन 20 सालों में नेटसर्फ की सेल्स कितनी टाइम्स हुई है? नो वाइल्ड गेसेस, नेटसर्फ की सेल 100 टाइम्स हुई है। तो अगर नेटसर्फ इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो आने वाले 20 साल में नेटसर्फ की सेल 40,000 करोड़ आराम से क्रॉस हो जाएगी। नेटसर्फ की आइडियोलॉजी जो सुजीत और मैंने शुरू से ही फॉलो की है वह यह है, नेटसर्फ फंक्शन करता है एक कॉरपोरेट की तरह, बट अपनी ग्रोथ शेयर करता है एक कोऑपरेटिव की तरह। तो इससे आप अनुमान कर सकते हैं कि आपका और हम सब का फ्यूचर नेटसर्फ में कितना बढ़िया है,
नेटसर्फ में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए अवेलेबल है। जो जितनी मेहनत करेगा वह उतनी इसे एनकैश कर पाएगा। जीवन में सबका कोई इंस्पिरेशन होता है, हमारा इंस्पिरेशन है आप। आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपका जोश, आपका एंथुजियाज्म हमें प्रोत्साहित करता है जीवन में कुछ और, थोड़ा सा और अचीव करने के लिए। तो दोस्तों, चलिए हम सब मिलकर नेटसर्फ को और नेटसर्फ से जुड़े सभी लोगों को इसी जोश से आने वाले सालों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। धन्यवाद। थैंक यू।